जर्सी नंबर 6 20 जो तोड़ो 10 नंबर जर्सी रहे संजीत हेम्रम 3 रहे आर शिव जतन है तहे अनुकल का दरवागाती दो एहोब ना जर्सी नंबर 9 पिछला मुकाबला रे दानापुर लगा सबसे बेहतरीन गाती ला परमील मरंदी आर तिहिंग बुनियल तय ने गाती तीन गिन संगार तहे ना लेकिन गोलकीपर थे गेंद ना लेकिन रक्षा पंक्ति लाइन ने खिलाड़ी टेस्ट करामी दम होड जिलीन ने बढ़िया शॉट करते 10 टे जुबान 19 टे बॉल चला को ना 19 बॉल कंट्रोल करते हुए लेकिन कोई मौका बंद संजीत द बॉल ने कंट्रोल किया बहुत ही लंबा है गति के साथ लेकिन शिना चक्की रे गेंद कोई थे चला को ना जर्सी नंबर 4 हालांकि उन्हें सुभाष चौरन मौजूद बिना अड़ाता आयरन डिफेंडर लगे आयरन डिफेंडर का बचाव या इरादा से गेंद लगे जलेबी परमील बहुत ही तेज गति से लेकिन भीड़ भाड़ वाले एरिया रे पास के लिखाते जहान खतरा बांग में ओ देवीराम अच्छा रन बनाते हुए जर्सी नंबर 14 देवीराम बॉल कंट्रोल करते हुए आयरन पार्टनर साथी खिलाड़ी थोड़े कटी में चपा लाएंगे बदल कर लेफ्ट आउट रन खतरा खिलाड़ी का ठीक है 11 नंबर रुबीन पिट्टू वाला खिलाड़ी हो लेकिन अंतिम समय रख रहा शॉट तीन दो फुटबॉल के साथ साथ शेस्कर रियान हो जसवाब ना चाहोगा और उसका धूम उन आजो में कान बीच बीच रहे अड़े जियर को बनाने का उनका बीच था उनकी कान तक पास और अंजय अंजय तुमका विपक्षी टीम लड़की आ रही अच्छा संतुलित करके बेटे से नंबर 4 संजीत लेकिन संजीत जब तक पड़ा तब तक रखा पकड़ी लाइन लड़की आ रही का तो फॉरवर्ड लाइन लड़की आ रही लुबीन बहुत ही सुंदर पास जर्सी नंबर 8 ओहो जब हुआ एकदम पहना मुश्किल किया अकेला देवीराम पे बॉल लेकिन वहां खराब शॉट देवीराम जर्सी नंबर 7 के लिए बहुत ही सुंदर कंट्रोल करते हुए जर्सी नंबर 7 आयरन पार्टनर साथी खिलाड़ी 7 नंबर सिंधराई तुलू लेकिन सीना चपटी रहे बहुत ही सुंदर वाह क्या मौका हो सकता है लेकिन रक्षा पंक्ति लाइन खिलाड़ी 13 नंबर सुमान किश्तुआ अच्छा क्लियरेंस लेफ्ट आउट लुबीन हालांकि नरेश ददौड़ लगा हुआ क्या 2 नंबर ढूंढे अविनाश बास्की रुखा भी लिया अपने मुकोईदा शनि और परमीर के बीच रहे बहुत सुंदर तालमेल अब की बार संगीत अच्छा पास निकालते हुए 16 नंबर रडार बॉल क्रॉस किधर जब अट्टी थे की बेहतरीन मौका जाम था लेकिन क्रॉस दगा में दगा लेकिन विकेट को ब्लॉक किया गया अब की बार मुकेश अच्छा पास करते हुए लेकिन 3 नंबर गंगा सोरेना अच्छा प्रयास बिना बचाव लिया बंदा भी की ओर से खेलते हुए गंगा एक या मोमेंटम बना कर टीम ने कैप्टन देवी राम अटी ते की बढ़िया संजय मुर्मू चीप पास और ग्लव पास चला जनवा मकार मुकेश उना बोले हटवा के दा और होटा कते हो या रखा के दा और आयरन पार्टनर खिलाड़ी गाने के लिए एम कह दिया गारो नंबर है शनि टूडू शनि अच्छी प्रयास है ना लेकिन रे चुई ना बाबा आठ पे कटे खिलाड़ी तला को रुके मेरे करते हैं ना लेकिन पे पास संजय जर्सी नंबर 3 गंगा लता लता ते शॉट किया सीधे नरेश ने नरेश ने चीप को करा जर्सी नंबर 15 सुलेश के लिए बहुत ही सुंदर मौका हो सकता है जो चुकी ना रिदम में बाहर करना सुनी शरी के बाद दो जर्सी नंबर 6 मुकेश से मिस किया अनवर ने भपाई के तबे लुका संजय गोल बहुत ही जबरदस्त गोल वाह जर्सी नंबर 6 अब 20 के चलते ये बिल्कुल ये बहुत ही कड़क ये मुकाबला दोनों टीम्स के लिए लेकिन एक वापसी करने का मौका परिमल आगे गए थे लेकिन बॉलर उनके पहुंच से दोनों टीम्स बिहार से लेकिन मंदार ही लागे बॉल प्ले में यहां पर लैंडिंग शुरुआत बहुत बेहतरीन और अपने क्षेत्र में अपने हाथ में यहां पर बॉल को क्लियरेंस बहुत ही बेहतर मंदार हिल की तरफ से प्लेइंग को इस बार बदलने का प्रयास और अच्छी तलाश वहां पर सोलेश हंसदा को लेकिन अब दानापुर की तरफ से बहुत ही बेहतरीन ड्रिबलिंग और तेज रन बना रहे हैं वहां पर प्रिंस लेकिन प्रिंस ज्यादा देर तक बॉल को नहीं रख पाए अपने पास
और फिर से अब बॉल पोजीशन मंदार हिल, मंदार हिल के तरफ से सोलेश, लेकिन बॉल परिमल से का शॉट अग्रिम पंक्ति के लिए, लेकिन बॉल फिर से भीड़ भड़ा का ये थे आले हॉन उठे बाले ध्यान दारी था आदो तो चाहिए इस प्रेशर से, जो प्रेशर उसके ऊपर में क्रिएट हो रहा है इसे कम करने के लिए एक गोल बहुत जरूरी दानापुर की टीम को। दानापुर के पास संजीत, संजीत है मैम, ये बहुत ही नामी खिलाड़ी हैं और जिस तरह से यहाँ पर वो बॉल को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ मंदार हिल के पास, मंदार हिल के तरफ से बॉल को आगे बढ़ा रहे थे छह नंबर जैसे पन के खेल रहे खिलाड़ी सन्नी मुर्मू, लेकिन बॉल चली जाएगी। 80 नंबर उसका जो हमारे पास उपलब्ध है लिस्ट प्लेइंग 11 का, उसमें मेंशन नहीं किया गया है। हेडर बहुत अच्छा, दानापुर के लिए मौका बनेगा, संजीत का वहां पर फर्स्ट टाइम बचाया है मौका यहां पर, रडार में बॉल, शॉट लेने के लिए क्या खिलाड़ी है और वहां पर बैलेंस नहीं कर पाए दानापुर टीम के खिलाड़ी, लेकिन दोबारा लगी पोस्ट बार में और बॉल चली गई गोल लाइन से बाहर। खतरनाक शॉट यहां पर, थोड़ा दबदबा की जरूरत, राजन दबदबा में किया तब तक आम मौका बनने वाला, लेकिन थोड़ा सा गोल का प्रेशर, लेकिन प्रेशर क्रिएट किया है मंदार हिल के ऊपर में शुरुआती जन्म में, वो बहुत बढ़िया बन रहा है यहाँ दानापुर के लिए, लेकिन गोल नहीं हुआ जिस तरह से अग्रिम पंक्ति में। अब यहाँ होल्डिंग मिडफील्ड से संजीत हेमर, वो अच्छा सिट कर रहे हैं अग्रिम पंक्ति को, उतना बेहतरीन यहाँ पर फिर से एक बार आ गई है मौसी बिहार की टीम, राइट लेन से क्या क्रॉस आएगा, नहीं आएगा। 14 नंबर दुर्गा, दुर्गा और परिमल नुकीला तालमेल रंगे भैया, लेकिन चेतावन देने के बाद बहुत ही सुंदर बहुत बिहार के लोगों को क्लियर करता हुआ जो सिरंबर चितान रहे जो बीच बीच रहे धून हो बजा करना बीच बीच रहे एने उड़ी को हो जाओ करना और एने को लेना मैनेजर चांस बना करता है ना, लेकिन कोई मौका बात मुझसे कौन खराब शॉट बनाते हैं, इतना बड़ा एरिया को ये कवर करते हैं, ऐसा डिफेंस करते हैं मुकेश सोरेन और अविनाश बास्की। दानापुर की तरफ से यहां से मौका बनेगा, बहुत ही नजदीकी मौका अवसर था लेकिन शॉट के लिए जगह नहीं था। दुर्गा रिकवरी करेंगे अपनी टीम के लिए, जी बिल्कुल बहुत अच्छा पास निकाला है वहां पर जर्सी नंबर 7 के लिए, जर्सी नंबर 7 वहां पर फिर से एक बार वहां सनी टुडू के लिए और मौका यहां पर बन रहा है अभी भी गोल स्कोर करने का, लेकिन जिस तरह से मौका यहां पर अभी भी बहुत ही अच्छा स्किल जर्सी नंबर 7 के द्वारा, अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है परिमल के लिए, परिमल वहां पर शॉट लगा था लेकिन कनेक्शन का कारण मैच चल रहा था, हमारे वॉलंटियर उस क्षेत्र में है, थोड़ा सा गाड़ी जितना भी रखा, टीम के कैप्टन भी हैं और स्ट्राइक यहां पर लेते हुए बहुत बेहतरीन लो कॉर्नर, इसलिए ये चांस नहीं बनेगा गोल करने का, ज्यादातर दूसरे हाफ में हाफ करके रखा गया है मंदार हिल को, ये अच्छी बात रही इस मुकाबले में दूसरे हाफ में इतना ज्यादा